नमस्कार, मैं गौरी वर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर सुल्तानपुर से है। सुल्तानपुर लंबुआ विधानसभा क्षेत्र के मथुरा नगर रामगढ़ में भाजपा नेता डॉक्टर अवनीश कुमार उर्फ गुड्डू सिंह के नेतृत्व में आयोजित विराट जनसम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी ने कहा कि रामगढ़ परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है। इस परिवार के जुड़ने से हमें और ताकत मिलेगी। मंच पर पूर्व विधायक प्रत्याशी हनुमान प्रसाद सिंह ने उन्हें बुके भेंट किया और उनके सम्मान में मंच पर कुर्सी मंगवाकर उन्हें कुर्सी पर बिठाया। उन्होंने कहा कि विकास की रफ्तार और तेजी से बढ़ने के लिए कमल के फूल पर बटन दबाएं। विपक्षी पार्टियों पर आरोप मढ़ते हुए उन्होंने कहा कि वो लोग जाति धर्म को लेकर भेदभाव पैदा कर रहे हैं और लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। उन्होंने सुल्तानपुर के लोगों से अपने भावनात्मक रिश्ते को बताते हुए कहा कि मेरे पास जो भी आया है मैंने उसकी हमेशा मदद की है। पिछले कार्यकाल में मैंने जाति धर्म नहीं पूछी, सिर्फ कार्य किया और इस बार और मजबूती के साथ कार्य करूंगी। रामगढ़ में जोरदार स्वागत पर सांसद प्रत्याशी ने खुशी जाहिर की और इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर कुंवर बहादुर सिंह, अधिवक्ता मनीष प्रताप सिंह, विपिन सिंह, विजय त्रिपाठी, कैलाश चंद्र द्विवेदी, रविन्द्र बहादुर सिंह, सावले सिंह, गौरी सिंह, ललन सिंह, वेद सिंह, अवनीश कुमार सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। महिलाओं के लिए मैं मंत्री भी तो थी महिलाओं के लिए, और जो 99% कानून बने उनके लिए तो मैंने ही तो बनाए। उनको रक्षा चाहिए कानून से भी, और उनको जो पुलिस है उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए उनकी मदद के लिए। अभी क्या चाहते हैं कि आप अभी क्या महिलाओं क्या भागीदारी होनी चाहिए राजनीति में, अन्य क्षेत्रों में? वो आ रहे हैं, आस्ते से आ रहे हैं, और पार्टी ने भी एक रिजर्वेशन किया है उनके लिए, कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं ना हिंदू से खतरा ना मुस्लिम से खतरा, खतरा है तो केवल संविधान से। आप वरिष्ठ सांसद हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत है, ये गलत है, इसलिए क्योंकि संविधान बदलने का सवाल ही नहीं उठता है, पत्थर की लकीर है। दूसरा, संविधान बदल करके आरक्षण निकालना किसी के बस की बात नहीं है। ये भी याद रखिए कि मोदी जी खुद OBC हैं, और जो जब हम जीतेंगे तो आधे से ज़्यादा सांसद OBC होंगे, तो क्या कोई आरक्षण हटा सकता है? हो ही नहीं सकता। ये जो फैला जाए वो झूठ है। आप और सांसद हैं, इस चुनाव में क्या देख रहे हैं? जो मंदिर बना है क्या इसका लाभ मिल रहा है लोगों को? धर्म क्या क्या जातिवाद हावी है? धोपाप का लाभ बहुत मिल रहा है लोग सुंदर तरीके से देख रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। वरुण भैया कल आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव? अब देखो, उसको पहले लाते हैं फिर देखते हैं। आप जो पिछली बार 14,000 वोटों से जीती थी, आपको बहुत मलाल है, इस बार क्या मार्जिन देख रही हैं? क्या मालूम बेटा, जितना वोट मिलेंगे। माता जी कल सोनू जी गठबंधन में शामिल हुई, उनकी आपके प्रतिद्वंदी कल सोनू सिंह गठबंधन के समर्थक दे दिए, आप क्या कहेंगी? खुश करने के लिए जो है किसी अनुमति या किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। आदमी परिवार में जब चाह चला गया, जब चाह तो वापस आ गया। तो आपने परिवार में और मैं चूँकि जो है मैं छोटा हूँ, इसलिए छोटे का सारा जो है गुनाह माफ़ होता है। आज का ये जो कार्यक्रम आपने यहाँ किया, इतना बड़ा जनसैलाब एक दिन की तैयारी में कैसे संभव हुआ? यह संभव हो पाया हमारे जो सहयोगी हमारे मित्र हैं, हमारे परिवार के लोग जो हैं, लगातार कार्यक्रम तय हुआ कि 22 तारीख को कराना है माता जी का, तभी से हम लोग लग गए और लगातार प्रयास रहा और आप सारे लोग सहयोग से इतना अच्छा कार्यक्रम हो पाया। जिस तरीके से राजनीतिक परिवेश में आजकल PDA का मामला चल रहा है, तमाम गुटबाजी और गठबंधन की बात चल रही है, ऐसे में मेनका जी जो यहाँ सुल्तानपुर की पूर्व सांसद भी रही हैं, पहले भी सांसद रही हैं, अब उनको आप किस उनको जीत को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विपक्ष के पास कुछ है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जो है वो PDA का और संविधान परिवर्तन का तमाम इस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाए हुए हैं, और अगर ये प्रोपेगेंडा ना फैलाएं तो समाज में कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अनाप शनाप इन लोगों का बोलना काम है। वो लोग सारे वही अनाप शनाप बक रहे हैं, और आदरणीय सांसद जी के साथ किसी जात पात धर्म का कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, सारे लोग साथ मिल करके जो है उनका सहयोग कर रहे हैं और इस बार बड़ी लंबी मार्जिन से चुनाव जीता जाएगा। प्रदेश में इस बार क्षत्रियों की बड़ी चर्चा है, मैंने अजय इस बार सुल्तानपुर के बाहुबली सोनू सिंह इंडिया गठबंधन को समर्थन दे दिए। देखिए, किसी व्यक्ति का मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक क्षत्रियों का इतिहास रहा है, आप अगर इतिहास के जो भी छात्र रहे होंगे उनको पता होगा कि क्षत्रिय समाज हमेशा जो है देश
और राष्ट्र के लिए समर्पित रहा है और समर्पित है। वह राष्ट्र हित में सारा काम उठा करेगा, सारा कदम उठाएगा, उसके लिए चाहे सर्वस्व न्यौछावर हो जाए। विराट जनसभा रामगढ़ की क्या कहेगी इस बार चुनाव में? हाँ, रामगढ़ में जितने सहयोगी लोग आए हुए थे, यह सिर्फ जो है दिखाने के लिए या उत्साहवर्धन के लिए नहीं लाए थे, सारे वोट है। और एक एक जितने लोग आए थे इन लोगों के पास कम से कम एक एक के पास 10-10 वोट है, इसलिए आप मान चलिए 5000 लोग आए हुए थे, उसी में 10 का आप जो है गुणा कर लीजिए, पता चल जाएगा कि कितना वोट यहाँ बढ़ के गया आज। 25 तारीख के लिए जो यहाँ पर लोग आए थे, मैंने उन लोगों से अपील की थी और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, आने वाली 25 तारीख को कमल के खाने वाली बटन को दबाना है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। अब की बार 400 पार की है। जी जी, गए कहाँ थे हम? आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहें? बड़ा अच्छा रहा, बड़ा सफल रहा। मैडम का आगमन बड़ा उत्साह भर दिया, लोग गर्मी से तो परेशान थे, लेकिन अंत में अंत भला तो सब भला, बड़े उत्साह के साथ लोग उनके सुने और समर्थन किया, प्रसन्न है लोग, वोट देंगे। आप राजनीतिक गुरुधाम माने जाते हैं क्षेत्र के, 2014 में एंटी इनकम्बेंसी मनमोहन सरकार के खिलाफ थी, पुलवामा बालाकोट 2019 में था, 2024 चुनाव में क्या देखते हैं आप? अब पुरानी बातें छोड़िए, जब हम चुनाव लड़े थे वही उतना जानता हूँ मैं। इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि हर चुनाव में हस्तक्षेप करूँ और पीछे पीछे दौड़ूँ, किसी के पीछे दौड़ता नहीं। हमारे मित्र बाबू राजनाथ सिंह जी हैं, जब ज़रूरत पड़ी नेतागिरी करने की तो उनके पास बैठ करके अपनी इच्छा पूरी कर लेता हूँ। बाबूजी, 2024 जनता को क्या संदेश देना, क्या कहेंगे 2024 चुनाव? 2024 के बारे में, भाजपा सत्ता में आवे, फिर से देश का उद्धार करे, जो काम उनका बाकी है उद्देश्य स्वर्ण युग लाना चाहते हैं, अभी तो शायद पूरी तरह से नहीं आ पाए, अभी तो राम मंदिर नहीं पूरा कर पाए, उसको पूरा करें और स्वर्ण युग जो रहा है ले आना चाहते हैं, ले आवे प्रदेश में। विपक्ष के इंडिया गठबंधन विपक्ष तरफ से नेगेटिव एक फैलाया जा रहा है कि इस समय हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा है, केवल इस समय संविधान बदलने की जो चर्चाएं आम चल रही हैं, तो आप क्या कहेंगे? अब उसके विषय में हम क्या कहेंगे, तो चर्चा है, जो जितनी जिसको गाली दे पावे उसका मुंह है दे गाली, जो जिसको जितना उल्टा पलटा कह सके यही उसका लाभ है, और न तो किसी के गर्भ में, भविष्य के गर्भ में कोई गया है और न कोई उसमें बैठा है चर्चा वालों में, जो होगा देखा जाएगा, अब जो पार्लियामेंट में आएगा वही देखेगा। इतनी तपती धूप में जी, इतनी गर्मी में, इतना ये जो बड़ा जनसैलाब जी 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 ये आपके नाम पे एकत्रित हुआ जी जी, इससे तो लगता है क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है। बिल्कुल मन बना लिया है क्षेत्र की जनता, उसमें कहीं दो राय नहीं है, सब गरज रहे हैं, केवल समय का इंतजार है, 2 दिन और, काफ़ी दिन तो अभ्यास किए लोग, सुनते सुनते भाषण सुनते सुनते परेशान हो गए हैं, टीवी देखते देखते, लेकिन अब निर्णय देना चाहते हैं, रिजल्ट उन्हीं के हाथ में है, वो इसके लिए तैयार है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही, देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।